सात जिला चेनारी प्रखंड के अंतर्गत ग्राम तेतरी में 40 महादलित परिवार के लोग रहते हैं। इसी गांव में रहने वाली गंगिया देवी को महादलित को रहने के लिए जमीन नहीं है। वो अपने बेटे और पतोहू के साथ एक ही घर में गुजर बसर कर रही है। यह परेशानी है कि हमारा चार गो लड़का बा आ ओहन के जमीन नहीं खे रहे बसे के एको एको घर बा वही में कसम गुजर कर रहल बन जा आ सरकारो जमीन देलस तो कागजे देलस ना जमीने दे। जबकि बिहार सरकार द्वारा घोषणा किया गया था कि हर महादलित भूमि परिवार को 3 डिसमिल जमीन मुहैया कराया जाएगा, लेकिन इस कानून को सरकार द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते बिना घर के लोग रहने के लिए मजबूर हैं। परेशानी बाकी हमारा घर द्वार नहीं खे मर्द विकलांग बना अब हमारा शक्ति नहीं खे कि घर द्वार उठाई जमीन खरीदी सरकार जमीन कहना देवे के आज रहने के जमीन ना मिले 3 डिसमिल जमीन ना मिलल। आपको कहाँ कहाँ तक गई थी जमीन को लेकर? सासाराम गए, पटना गए। आप क्या चाहते हैं? और कागज चाहिए, जमीन चाहिए। रैली में गोनी जा, बिलो को प्रधानता देनी जा, पटना गोनी जा, दिल्ली गोनी जा। पटना साहब को क्या आश्वासन मिला? ये आश्वासन मिला कि 3 डिसमिल गरीबों के जमीन देवे के बाद आज हमने को जमीन ना मिलल। आप क्या चाहते हैं? चाहते बने कि जमीन मिल जाए तो हमने घर द्वार अपन उठी तो बेटा पतो जाने के ना सारा तो गलत बना रहा था तन हमने के तन का फैलाव हो जाती जा। मैं इस वीडियो को इसलिए बनाया है कि मैं भी महादलित परिवार से बिलोंग करता हूं, मुझे भी 3 डिसमिल जमीन की ज़रूरत है, मैं भी इस समस्या से प्रभावित हूं। मैं अमरजीत कुमार चाहता हूं कि गंगिया देवी को जल्द से जल्द 3 डिसमिल जमीन मिले। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अनुरोध है कि प्रखंड अंचलाधिकारी प्रवीण सिन्हा का मोबाइल नंबर 85444-12822 पर कॉल कर दबाव बनाएँ और मेरा मदद करें ताकि गंगिया देवी को 3 डिसमिल जमीन जल्द से जल्द मुहैया कराया जा सके। मैं अमरजीत कुमार, ग्रामपुर सदोखर, थाना चेनारी, जिला रोहतास, राज्य बिहार, इंडिया अनहर्ड के लिए।